दोस्तों स्वागत है आपका मेडस्टेड क्लास में। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करूंगा एक जीएसके कंपनी की अपॉइंटमेंट के बारे में, बहुत पुरानी और बहुत बढ़िया अपॉइंटमेंट के बारे में, जिसका नाम है नियोस्पोरिन एच। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं मेरे इस चैनल मेडस्टेड क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं नियोस्पोरिन एच, इसको बनाया है जीएसके वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी में आ जाती है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी। ये यूके बेस्ड कंपनी है दोस्तों, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स और काफ़ी क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो दोस्तों नियोस्पोरिन इनका बहुत पुराना ब्रांड है और ये बहुत अच्छा असरदार क्रीम है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नियोस्पोरिन एच, इसका जो कंटेंट है नियोमाइसिन पॉलीमैक्सिन बी बेसिट्रासिन हाइड्रोकॉर्टिसोन ऑप्थाल्मिक ऑइंटमेंट दिया गया है, यानी ये जो यूज है आपको आंखों में यूज करना है। ऐसे ही नियोस्पोरिन एच ईयर ड्रॉप्स आ जाता है जहां पर कान में यूज करनी होती है, जिसका मैंने रिव्यू किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो न्यूज, इसकी प्राइस है आपको मिल जाएगी 55 रुपीज में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो 5 ग्राम्स की पैक में आ जाती है, इसका जो कंटेंट यहाँ पर दिया गया है कि नियोसमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, पॉलीमैक्सिन बी भी एक अच्छा एंटीबायोटिक है, बेसिट्रासिन ये भी एक अच्छा एंटीबायोटिक है, यानी 3 एंटीबायोटिक्स दिए गए हैं। उसके साथ हाइड्रोकॉर्टिसोन यानी एक स्टीरॉयड होता है जहाँ पर आपका रेडनेस इचिंग जो होता है वो कम कर देता है। तो चलिए दोस्तों ओपन करके देखते हैं दिखती कैसी है। जीएसके का यूजुअली पैकिंग बहुत बुरा होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है जो भी बनाते हैं। तो दोस्तों ये दिखती ऐसी है, आपको ओपन करनी होती है और आंखों में डालनी है। जैसे कि आंखों में चिटली होती है या जैसे कि आपको इन्फेक्शन होता है आंखों में, वहां पर आपको लगानी होती है। ये स्किन पर भी थोड़ा सा लगा सकते हो अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो ये यूजुअली आंखों में लगाया जाता है, लेकिन ये डॉक्टर की सलाह के बगैर इस्तेमाल ना करें दोस्तों, क्योंकि आपकी आंख खराब भी हो सकती है। तो इसीलिए ये दिन में 2 बार या 3 बार, यूजुअली ये दिया जाता है रात में 1 बार लगाने के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है लगाने से चिपकती नहीं है आंख, आंख चिपकने से बंद हो जाती है। तो ये देख सकते हो दोस्तों मैं प्रेस नहीं कर रहा हूँ, फिर भी ये ऐसे ही आ रहा है। ओके तो चलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए।